वेलकम टू योर पर्सनल हेल्थ शो फिट रहे इंडिया। दोस्तों, हम हमेशा बात करते हैं फिटनेस की, क्योंकि हम चाहते हैं आप फिट रहें, आप अच्छे दिखें। इसीलिए हम हर बार लेके आते हैं कुछ आसान और अच्छी एक्सरसाइजेज, जिन्हें आप घर पे भी कर सकते हैं बिना किसी तामझाम के। और आज हम बात करेंगे स्टमक के बारे में, क्योंकि स्टमक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे जिम एक्सपर्ट मिस्टर संदीप। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि संदीप जी एक बहुत ही फेमस ट्रेनर हैं और ये कई चैंपियनशिप जीत चुके हैं, मिस्टर इंडिया का खिताब भी जीत चुके हैं, मिस्टर दिल्ली भी रह चुके हैं। तो संदीप जी, हम बात करना चाहते हैं स्टमक की, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लड़कों में भी लड़कियों में भी एब्स का बहुत क्रेज़ आ गया है और सब एक फ्लैट स्टमक चाहते हैं। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, आप क्या टिप्स देना चाहते हैं बिगनर्स को? पूनम जी, मैं आपको पहले हेल्थ से लेके कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि आजकल जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी जनरेशन है, जिम जाती है, दूसरों को देखती है, किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाती है, और वो पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता कि उसने कितना मेहनत किया है, कितना टाइम दिया है, कितने घंटे जिम में दिए हैं। सब चाहते हैं कि हाँ, एक महीना दो महीने में हमारे ऐप्स आ जाएँ। बिल्कुल, तो उसी के लिए वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसके परिणाम जो है बहुत गलत होने वाले हैं। फिर अब बच्चे जो है लालच में या उनको गलत ट्रेनर गलत एडवाइस देते हैं, तो नहीं मानना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि नेचुरल वे में करें, आप अच्छी डाइट लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, टाइम से सोइए, अच्छा रेस्ट कीजिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता अच्छी फिजिक पाने से। और एक अच्छा ट्रेनर अपना, सबसे पहले तो आप अपना एक अच्छा से कोई ट्रेनर लीजिए जो कि आपको सही गलत आपको बता सके। कई बार क्या होता है, हम जो भी करते हैं हमें लगता है आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जो कि होता नहीं है। ट्रेनर ही आपकी कामियाँ बता सकता है कि हाँ, यूट्यूब के से भी देख के लोग इंस्पायर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्रेनर के बिना मेडिकल कंडीशन जाने भी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। हाँ, इसी यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपने ट्रेनर से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें आप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पहले आपको क्लियर करें, नहीं तो आप एक्सरसाइज करके तो और उसे नुकसान करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले आप कंसल्ट करें और एक अच्छे ट्रेनर के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करें। संदीप जी, आप हमें जिमिंग में डाइट का कितना रोल होता है ये भी समझाएं। बिल्कुल पूनम जी, डाइट का तो पूनम जी इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप जैसा खाते हैं वैसा ही बनते हैं। आप छोले भटूरे या समोसे, कुछ भी जंक फूड खाते हैं, तो आपका शरीर वैसा ही बनने वाला है। और मेरा मानना यह है कि आप अच्छा फूड लीजिए, प्रॉपर 5 मील लीजिए हमारे हिसाब से, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फैट भी हो, प्रोटीन भी हो, फाइबर डाइट भी हो, तो आपको बेस्ट फिजिक बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और अगर अच्छी फिजिक और चाहिए तो आप उसके लिए कार्डियो एक्सरसाइज मस्ट है। साइंस कहता है कि आपको 9 घंटे वीकली एक्सरसाइज करनी है कम से कम। तो उसके लिए 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, इस तरीके से कर सकते हैं। और कुछ ईजी से वर्कआउट हैं एब्डोमिनल के, जो हम घर पर भी रह के कर सकते हैं, जिम में भी रह के कर सकते हैं, वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और वार्म अप एक्सरसाइज क्या, स्टमक की अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप की एक्सरसाइज भी जरूरी है उसके साथ? जी हाँ पूनम जी, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। क्या होता है कि कम से कम 20 मिनट वर्कआउट करने के बाद हमारा जो फैट होता है बॉडी तब यूज़ करना चालू करती है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं जिम में जाने वाले, जो हमारे पास भी आते हैं, हमने देखा है, आते हैं और आधा घंटा वर्कआउट किया और ख़त्म करके चले जाते हैं। उससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको बिल्कुल भी। हमारी बॉडी जो फैट है 20 मिनट बाद यूज़ करना चालू करती है। अगर आपको फैट रिडक्शन करना है तो पहले अपना कम से कम 20 मिनट कार्डियो या बेसिक एक्सरसाइज करें, जिससे कि अपना अच्छा सा रिजल्ट मिल सके आपको। जी बिल्कुल। तो अब हमें संदीप जी करके दिखाएंगे एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम देखते हैं तो ही हम ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो चलिए संदीप जी, आप हमें डिटेल में करके दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल पूनम जी, आइए मैं आपको करके बताता हूँ। जी आइए। आइए मैं आपको कुछ आसान सी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, जो जिम के अलावा घर पे भी कर सकते हैं। याद रखिए, हमेशा एक्सरसाइज करने से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलिए हम करके दिखाते हैं कुछ एक्सरसाइज। यस स्टार्ट, इसे मिलिट्री जंप पहले स्टार्ट करेंगे। चलिए करके दिखाइए एक बार। गुड कीजिए, स्टार्ट, 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं मिलिट्री जंप, जो कि हमें कम से कम 1 मिनट तक कर सकते हैं। और इसको जितना ज़्यादा आप हाई स्पीड पे करेंगे, बेनिफिट आपको उतना ही मिलने वाला है। और हमेशा स्टार्टिंग जो है धीरे धीरे लेवल से ही स्टार्ट करें। गुड गुड गुड, स्टार्ट, स्टॉप, जंपिंग जैक, स्टार्ट, इसे बोलते हैं जंपिंग जैक। 1 मिनट जब आपका वो पूरा हो जाता है तो इसको आपको, इस एक्सरसाइज को करना होगा, इसे बोला जाता है जंपिंग जैक। गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलते रहो। इस एक्सरसाइज को भी सेम उसी तरीके से 1 मिनट तक कंटिन्यू करना होगा आपको। गुड, स्टॉप, नी रेज, यस स्टार्ट। सेम वही प्रोसीजर इस एक्सरसाइज को भी पूरा आपको 1 मिनट तक करना होगा। स्टॉप। इन बेसिक एक्सरसाइज को हमेशा एब्डोमिनल करने से 20 मिनट तक कीजिए इसे कम से कम, उसके बाद ही अपना एब्डोमिनल एक्सरसाइज पे जाइए। क्या होता है कि हमारे जो बॉडी का जो फॉर्मेट है, प्रोसीजर जो है, हमारा जो फैट बॉडी में स्टोर होता है कम से कम 20 मिनट बाद इस तरह का वर्कआउट करने के बाद यूज़ होता है। कई बार क्या होता है, जिम में बच्चे जाते हैं, 10 मिनट अपना एक्सरसाइज किया, उन्हें लगता है इनफ, वो ठीक नहीं है, वो प्रॉपर तरीका नहीं है। हमेशा पहले वार्म अप कीजिए, वार्म अप कम से कम 20 मिनट तक का हो, 20 मिनट के बाद हमारे जो बॉडी में फैट जो होता है वो यूज़ होना चालू होता है। इस तरीके से करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी वार्म अप एक्सरसाइजेज, आई एम श्योर आपने ये जान ली होंगी और आप हर एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करेंगे। और अब हम बात करेंगे मेन एक्सरसाइज की। तो संदीप, आप हमें बताएं कि अब कौन सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। पूनम जी, सबसे पहले हम एप्स के लिए क्रंचेस करना पसंद करेंगे, जिसमें कि हमारे अपर एप्स और मिडिल एप्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप इसे करती हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये एक्सरसाइज मेल फीमेल कोई भी कर सकता है इजीली। अगर टोनिंग करनी है तब भी कर सकते हैं, और अगर ब्लॉटिंग किसी को हुआ है तो ब्लॉटिंग के लिए भी एक्सरसाइज। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके 4 सेट कीजिए और कम से कम 15 से 25 रेपिटेशन। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी बॉडी यूज्ड टू हो गई, तो उसे आप ज्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं step है। स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको लगता है कि हाँ यूज्ड टू हो गई, आपके रिजल्ट नहीं आ रहा है, इफेक्ट कम हो गया, तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। जी तो चलिए बताइए कैसे की जाती है एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए करके दिखाएंगे जी। स्टार्ट, नीचे क्रंचेस, 4 क्रंचेस बेटे। इसे बोलते हैं क्रंचीज। ये देखिए, अपर और मिडिल, गुड। इसमें एक बात का ख्याल रखना है आपको, जब आप ऊपर आते हैं तो आपको ब्रेथ आउट करनी होती है, और जब नीचे जाते हैं तो लेनी होती है। शाबाश, गुड। इस तरीके से तो ये हमारे अपर स्टमक और मिडिल स्टमक को फायदा पहुंचाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वो फैट एकदम काट देती है। जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाता है इससे, अगर आप कंटिन्यू करती हैं। राइट, और इसके कितने सेट हमें करने चाहिए? कम से कम 4 सेट तो हों, 4 से 25 रेपिटेशन हों इसके। और अगर लगता है आपको यूज टू हो गई, तो इसे आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और एक बात और बताइए संदीप जी, हम इसमें क्या सावधानियां हमें जो है दिमाग में रखना चाहिए, कि हमें जो है बैक स्ट्रेट रखना चाहिए, पैर का पोजीशन क्या होना चाहिए, खा के जाएं कि ना खा के जाएं, वो भी हमें जरा डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा याद रखिए, जब भी आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हैं तो आपका थोड़ा बहुत मील चलेगा, ये नहीं कि पेट भरा हो, थोड़ा बहुत खाइए, ज्यादा नहीं, जस्ट एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए, जी हाँ, बॉडी में फ्यूल होगा तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो राइट, बिल्कुल रिजर्व में लग जाएगी। राइट, तो कितना हेड मूवमेंट कैसे रहेगा वो भी आप बताएं। यही क्वेश्चन, सेम यही, इससे ज्यादा नहीं, इतना काफी है। गुड, चलते रहो, ये देख रहे होंगे आप, गुड, शाबाश, इस तरीके से, बढ़िया, गुड, बढ़िया। ब्रीदिंग का कोई टेक्निक है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल, ऊपर देखिए ना आप, ऊपर आकर के आपको ब्रीथ आउट करनी है और नीचे जाते वक्त लेनी होती है। जी, अगर आप नीचे जा रहे हैं तो सांस छोड़े और ऊपर आ रहे हैं तो सांस नहीं नहीं, नहीं ऊपर आने में छोड़ना है सांस, ऊपर आने में। जी हाँ बिल्कुल, जिसे इस तरीके से ब्रीथ आउट कर, गुड, इस तरीके से। ये सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, सेकेंड एक्सरसाइज हम नीरेज करेंगे, वो भी आप फ्लोर पे, घर पे या जिम में कहीं भी कर सकते हैं, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें क्या होगा, आपको सीधा लेटना होगा, अब ये करके दिखाएंगे हमें। स्टार्ट, नीरेज नीरेज, ये ये। अब ये एक्सरसाइज हमारे लोअर एप्स और मिडिल एप्स के लिए होती है, और साथ ही में क्रंचेस ऑब्लिक्स के लिए, सॉरी ये यहाँ। तो इसमें भी सेम इसी तरीके से, जब आप अपना स्ट्रेट पैर, स्ट्रेट पहले अब लेके आओ, गुड, जब इसे लेके आते हो तो यहाँ आपको ब्रीथ आउट करनी है, ये गुड, चलते रहो। इसका भी पूनम जी सेम, तो वही लोअर एब्स के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। हाँ, लोअर एब्स के लिए। और इसके कितने सेट करने चाहिए हमें पूनम जी? वही सेम फॉर्मेट होगा इसका भी, 4 सेट होंगे और 15 से 25 रेपिटेशन। और अगर आपको लगता है कि यूज टू हो गए तो फिर आप और बढ़ा सकते हैं इसमें। ओके, तो इसका क्या रहता है, इसका कितने सेट हमें करने चाहिए और कैसे इसकी जो है फॉर्मेशन वगैरह या बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए आपका, वो भी आप बॉडी लैंग्वेज तो आप देख ही रही हैं इसमें। इस तरीके से पैर सीधे कीजिए, फिर आपने फोल्ड कीजिए और यहाँ लाके एक बार ब्रीथ आउट करनी होती है आपको, और फिर जब सीधा पैर ले जाते हैं, छोड़िए, गुड, तो लेनी होती है। संदीप जी, एक अक्सर कंप्लेन आती है और एक शिकायत भी लोगों को रहती है कि उनकी एब्स जल्दी नहीं निकल पाती है, और अगर अपर एब्स आ भी गई तो लोअर एब्स निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप बताएं कि क्या करना चाहिए। पूनम जी देखिए, ये जो एब्स का जो है ये जेनेटिक होता है जी,
अगर आपके एब्स हैं यानी एब्स के अंदर मसल्स हैं तो वो विजिबल होंगे ही होंगे जी। अगर आपके मसल्स नहीं है तो वो विजिबल नहीं होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि बॉडी बिल्डिंग के बादशाह भी रहे, गॉड बोले जाते हैं। जी हाँ, गॉड बोले जाते हैं। कभी ध्यान से देखिएगा, उनके सिर्फ चार ही एब्स थे। तो जो हमारे ये सीरियल जो देख रहे हैं, जो हमारे दोस्त लोग, वो कभी निराश ना हो कि हाँ यार हमारे चार ही आए, हमारे आते नहीं है। ये सब जेनेटिक है। तो आप बेहतर होगा अगर नहीं आते तो आप इसमें खुश रहिए कि हमारा फ्लैट तो है जी। तो दोस्तों, संदीप जी का भी यही कहना है कि एक फिट स्टमक ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी आते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने किसी और बॉडी पार्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जी। और इस एक्सरसाइज को करने का तरीका सेम वही होगा, 4 सेट कीजिए, 15 से 25 रेपिटेशन जी। और अगर आपको लगता है कि अगर आपकी बॉडी यूज टू हो गई है तो उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जितना तपोगे तभी कुंदन बनोगे जी। तो संदीप जी एक बात और बताइए, क्या ये एक्सरसाइज लड़कियां भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियों के लिए भी यही रूल रहेंगे? जी बिल्कुल, यही रूल रहने वाले हैं। मैं अब आपको यही दिखाने वाला हूँ कि इस एक्सरसाइज को लड़कियां भी आराम से इजी कर सकती हैं। आप हमें लड़कियों से ही डेमो करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, खड़े हो जाओ, आप आ जाइए। और लड़कियों के लिए भी रूल सारे सेम रहेंगे? जी जी बिल्कुल, वही फॉर्मेट रहेगा उसी तरीके से। अब पैर को अपने इधर लेके आइए, गुड, ये ब्रीथ आउट किया, फिर छोड़ा, छोड़िए इस तरीके से। और वही प्रोसीजर रहेगा इसका, 4 सेट लेने होंगे, 15 से 25 रेपिटेशन, वही रूल है। अगर यूज टू हो जाती है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं जी। और अगर जो लोग ब्लॉटिंग है जिनकी, ये तो टोनिंग की बात हमने करी, लेकिन अगर जिनको ब्लॉटिंग है वो क्या करें, वो कितने सेट करें? रखना यही होगा, मगर उन लोगों को थोड़ा कार्डियो पे ज़्यादा फोकस करना होगा। वो जितना, हाँ जी बिल्कुल, कार्डियो जितना करेंगे उतना बेनिफिट मिलने वाला है उनको। राइट, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? जी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी लेग रेज, जो कि हमारे वो भी लोअर पार्ट के लिए ही होती है, लोअर एब्स के लिए। राइट जी, चलिए करके बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल, सीधे लेट जाओ, गुड। इसमें भी वही रहेगा कि हाथ आपको स्ट्रेट रखने हैं ये, और पैरों को सीधा सीधा लिफ्ट करना ऊपर। यहाँ लाए थोड़ा सा होल्ड इस तरीके से, ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ आउट, फिर वापस स्ट्रेट, और हाँ जमीन से ऊपर रखना होता है इतना बस, वापस, गुड, ब्रीथ आउट, शाबाश। और बिल्कुल पैर स्ट्रेट रखने? जी हाँ, इसमें पैर स्ट्रेट रखने होंगे इसी तरीके। अच्छा संदीप जी एक चीज और, जैसे कुछ लोग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, वो कई बार शायद इतना ऊपर तक ना ले जा पाए, तो क्या वो किसी की हेल्प ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं, मगर बेहतर होगा कि अपने आप ही करें, जितना होता उतना तो करें, पहला गियर स्टार्ट तो हो जी। राइट बिल्कुल। तो इसके कितने सेट करने हैं? वही सेम फॉर्मेट, इसके भी 4 सेट लेने होंगे, 15 से 25 रेपिटेशन। राइट जी। और अगर किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है तो वो आप क्या उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उसे तो हम यही कहेंगे कि पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने ट्रेनर से कंसल्ट करें, और फिर ही स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राइट बिल्कुल। तो किन को ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि कौन ये एक्सरसाइज करें, लेकिन कौन ये एक्सरसाइज ना करें ये जरूर बताएं। जिन लोगों के लोअर बैक में पेन हो या सर्वाइकल हो, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा, तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर ही स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा होगा। राइट संदीप, ये तो आपने बात की स्टमक की, अगर हम साइड्स की बात करें, क्योंकि कई बार लव हैंडल्स जिनको हम कहते हैं कि साइड्स की ऑब्लिक्स जो होती है वो हमारे निकल जाती है, तो उसके लिए भी कोई एक्सरसाइज है? हाँ जी पूनम जी, उसके लिए भी काफ़ी एक्सरसाइज है, मगर मैं आपको बेसिकली जो आराम से घर में की जा सकती है मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। तो बताइए कौन सी नेक्स्ट एक्सरसाइज? इसे बोलते हैं हम साइड बेंडिंग, जो कि किसी भी रॉड से कर सकते हैं हम जी। इसमें हमें हाथ पूरे स्ट्रेट रखने होते हैं। बताइए कि अब करके बताइए। हाँ जी, इसमें पूरे हाथ हमें स्ट्रेट करके, पैर एकदम पैरेलल होने चाहिए आपके, गुड, और सर्कल में आपको टर्न होना है पूरा, सी सर्कल में जाइए जी बिल्कुल, इस तरीके से। तो ये यहाँ जो ये होता है ना टायर लोगे, इसी से जाएंगे वो, गुड, वापस, शाबाश। संदीप इसके कितने सेट करने चाहिए? पूनम जी इसका भी सेम वही फॉर्मेट होगा, इसके 4 से 4 सेट करने होते हैं, जो कि 15 से 25 बढ़ा भी सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर, अगर आपकी यूज हो जाती है तो बढ़ाते जाइए आप। इसमें ब्रीदिंग का कोई सिस्टम है या ब्रीदिंग? जी हाँ, जब हम नीचे बैंड होते हैं तो हमें ब्रीथ आउट करनी होती है, एक बार देखिए इस तरीके से जाइए, गुड, ब्रीथ आउट किया, वापस, शाबाश, इस तरीके से। और यही तरीका इसमें बॉयज भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाइए। इस एक्सरसाइज को बोला जाता है साइड बेंडिंग, जो कि हमारे जो साइड में जो फैट देखा होगा आपने, एक्स्ट्रा जो जम जाता है, जो दिखता है, विजिबल होता है, उस एक्सरसाइज के लिए, उस पार्ट के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जी। और फॉर्मेट इसका भी वही सेम होगा, 4 सेट होंगे, 15 से 25 रेपिटेशन। और बॉडी अगर यूज टू हो जाती है आपकी, आपको लगता है इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं 30, 40, 50, जितना आप कर सकें, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसकी कोई और टेक्निक भी है, जैसे कि आपने रॉड हैवी ली है हमने, अगर हमारे पास रॉड नहीं है तो हम खाली हाथ के मूवमेंट से भी इसको कर सकते हैं? जी हाँ पूनम जी, आप खाली हाथ के मूवमेंट से भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ वेट मिल जाता है घर में कुछ भी, तो आप दोनों हाथों में लेके कर सकते हैं इसको, इफेक्ट वही आना है इसका। बिल्कुल,
इसमें भी ब्रीथिंग का भी सेम वही पार्ट है। जब आप तो सर्कल में जाते हैं तो आपको आउट करना है, और जब ऊपर आते हैं तो लेना होता है। टेक्निक मस्ट है इसमें, अगर टेक्निक सही नहीं होगी तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और बॉडी पोस्चर का भी काफ़ी ध्यान रखना जी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग होते हैं इसमें गलत पोस्चर भी करते हैं, घुटने बैंड कर लेते हैं जैसे, तो इफेक्ट नहीं आता है। अब ये तरीका एकदम सही है, एकदम वही इफेक्ट आ रहा है इसमें। वाओ संदीप, ये तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, और हमें ज़रूर उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये एक्सरसाइज बहुत पसंद आई होगी, आराम से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए, हमें इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताई आपने। जी थैंक। दोस्तों, अगर ये एक्सरसाइज आप जैसे बताई गई है वैसे ही करते हैं और कंटिन्यू रखते हैं तो आपका जो वो फैट है वो ज़रूर चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट के साथ जाके, और जानते हैं कि कैसे हम अपनी डाइट में बदलाव लाकर अपनी जो हमारी पूरी लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर नेहा के पास। डॉक्टर नेहा, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नेहा, आज हम पर्टिकुलरली स्टमक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि स्टमक को कैसे हेल्दी रखा जा सके या स्टमक को फ्लैट कैसे किया जा सके। आजकल काफ़ी ट्रेंड है एब्स का, स्पेशली लड़कों में एब्स का एक बहुत ट्रेंड देखने में आया है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो स्टमक है वो सिक्स पैक एब्स हों, उसमें एकदम फ्लैट और अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए कई बार वो वाटर इनटेक और सॉल्ट इनटेक बिल्कुल कम कर देते हैं। इसके आप साइड इफ़ेक्ट्स बताइए, और अगर ऑप्शन कोई और है तो कैसे हम लोग अपने स्टमक को फ्लैट कर सकते हैं वो भी हमें ज़रा डिटेल में बताएं। वैसे जो आपने बताया कि सॉल्ट एंड वाटर इनटेक हमें कम करना होता है, आइडियली वो रिक्वायर्ड होता है। अगर हम एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पर पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे अब हमें सिर्फ एब्स पे वर्कआउट करना है और हमें सिर्फ एब्स ही वो करने हैं, तो हम कुछ दिन के लिए अपना सॉल्ट एंड वाटर इनटेक काफ़ी कम कर देते हैं। तो पर उससे काफ़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है बॉडी में। एंड पर उसमें भी एक चीज़ है कि हमें ना पूरा दिन का वाटर इनटेक कम से कम मिनिमम आपको 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पे रखना ही होता है, अनलेस एंड अनटिल कि बहुत फास्ट रिजल्ट्स चाहिए या हमें सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही वर्कआउट करना होता है। तो वो हम सेलिब्रिटीज़ में नॉर्मली वो होता है कि 10 दिन का शूट है और उसमें काम करना है, तो उनकी डाइट बिल्कुल रेगुलेटेड चलती है कि पूरे दिन में लिक्विड्स हैं तो वो कितने जाने हैं, क्योंकि वाटर हर चीज़ में है, चाहे आप चाय लो, चाहे कॉफ़ी लो, चाहे दूध लो, तो हम टोटल इनटेक देखते हैं कि हमें कितना उसमें जाना है। तो अगर हम वाटर एंड सॉल्ट की बात करते हैं तो बेसिकली हमें वही कम करना होता है। और जहाँ तक कि वाटर इनटेक की बात है, हमें एक दिन में बिल्कुल कैलकुलेटेड वाटर इनटेक होता है। वाटर इनटेक इज़ लाइक कि पूरे दिन का लिक्विड्स कितने जा रहे हैं, तो उस केस में हमें ना रेगुलेटेड वाटर इनटेक देना होता है पूरे दिन में, कि हमें 8 ग्लास पानी देना है तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कितना पानी जा रहा है, कि हमें जूस देना है, कि हमें आपको चाय देनी है, कि ग्रीन टी पिलानी है, कि टोटल नॉर्मल वाटर देना है। तो सॉल्ट एंड वाटर कम होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस अगर हम बिल्कुल अपना कम कर देंगे तो उससे धीरे धीरे ब्लोटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोई अगर रूटीन में एब्स बना रहे हैं तो इससे बेटर यही होता है कि आप अपना डिनर्स अर्ली कर लीजिए, आप अपना डिनर्स अपना 7:30 तक वाइंड अप कर दीजिए, ताकि उसके बाद आपकी बॉडी में कोई सॉल्ट ना जाए। जबकि यूजुअली हमारे पैटर्न में लेट डिनर ईटिंग होती है, तो जिसकी वजह से हमें कोई भी वर्कआउट या रिजल्ट देखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो वाटर बहुत कम नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट डायरेक्ट बॉडी पे डेफिनेटली आते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बॉडी में सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो हमें हमेशा टोटल इनटेक ऑफ द डे कैलकुलेट करके देना होता है। तो ये तो बात थी वाटर इनटेक की। अगर हम सॉल्ट इनटेक की बात करें तो हम कितना सॉल्ट ले सकते हैं और किस अमाउंट में या किस फॉर्म में हम सॉल्ट को इनटेक कर सकते हैं, वो भी ज़रा डिटेल में बताएं। पूनम, हमें सॉल्ट इनटेक काफ़ी कंट्रोल्ड होता है पूरे दिन में। हमें ये देखना होता है कि हर चीज़ में कितना सॉल्ट जा रहा है, एक्सेस सॉल्ट नहीं लेना होता। जो यूजुअल सॉल्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो आप करिए कुकिंग में, पर एक्सेस सॉल्ट जैसे आपके पिकल्स हो गए, चटनीज हो गए, पापड़ हो गए, इनको आप ना लीजिए। ऊपर से आप एक्स्ट्रा सॉल्ट ना डालिए, कि जो आपने जैसे फ्रूट कट किया या सैलड कट किया तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है जो हम डालते हैं वो ना डालें। एंड जैसे सॉसेस हो गई, ड्रेसिंग्स हो गई, ये हमें अवॉइड करना होता है। तो अगर हम ये एक्सेस सॉल्ट अवॉइड करते हैं तो विच इज़ गुड इनफ, उतने से आपके नॉर्मल सॉल्ट यूजुअल सॉल्ट से काम चल जाता है। ओके,
और जो मार्केट में फैट कटर्स काफ़ी आजकल आ गए हैं और फैट कटर्स देखा जाए तो एक बहुत ही ईजी तरीका है फैट को कम करने का, तो वो हमें बताइए किस लेवल में हम उनको यूज़ कर सकते हैं या उनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या थोड़े बहुत अमाउंट में कभी कभी चीट कोड की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फैट कटर्स का रोल एक अलग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में होना चाहिए। आइडियली वी शुड नॉट यूज़ देम डेली के लिए। जैसे अब नॉर्मली क्या होता है, ब्राइड्स जिनकी शादी होने वाली होती है, दे आर लाइक कि फटाफट हमारा वेट कम हो जाए तो फैट कटर्स यूज़ कर लें। या जिम में जो लड़के या लड़कियां जा रहे होते हैं जिनको अपनी बॉडी प्रॉपर शेपिंग में लानी होती है एंड दे आर ओवरवेट बाय सर्टन अमाउंट ऑफ वेट, तो उनका हमेशा एक सजेस्ट किया जाता है कि आप फैट कटर्स ले लीजिए, ताकि आपके फैट बर्नर्स ले लीजिए जिसको हम बोलते हैं, आप ज़्यादा जल्दी आपका फैट कट होगा। बट उनको हमेशा हमें एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन या एक न्यूट्रिशनिस्ट से प्रिस्क्रिप्शन लेके ही लेना चाहिए, क्योंकि हर फैट बर्नर का एक साइड इफ़ेक्ट बॉडी में हो सकता है। तो अगर और एक लिमिटेड पीरियड ही है जिसके लिए आप वो ले सकते हैं, मे बी लाइक फॉर अ मंथ और टू जिसमें आप वो ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप फैट बर्नर्स वगैरह आप कंटिन्यूस 6 months पीरियड के लिए लेते रहें, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, पर कभी कभी अगर शॉर्ट पीरियड के लिए अगर लेना है तो आप ले लीजिए। अच्छा, और जो कुछ लोग हैं जो फैट कटर्स बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई नेचुरल ऑप्शंस हैं जो आप हमें बताएं कि ठीक है आप ये नहीं लेना चाहते तो आप इन चीज़ों से जो है आप अपना फैट या ब्लॉटिंग जो है वो आप एकदम रोक सकते हैं, तो ऐसी कुछ हमें ऑप्शंस आप ज़रूर दें। बिल्कुल, डाइट में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डायरेक्ट फैट कटर्स नहीं बोलते, पर वो आपकी बॉडी की जिसको हम बोलते हैं वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, ब्लोटिंग, उन सबको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है और आपका धीरे धीरे मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है। तो उन चीज़ों में आती हैं, एक लेमन आता है जैसे आप नींबू पानी प्लेन लीजिए अगर, तो हॉट लेमन वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गई, ग्रीन टी कैन बी लाइक जैस्मिन टी, ग्रीन टी, लेमन टी, तुलसी टी, वो कोई भी टी हो बट विदाउट शुगर, विदाउट हनी। और कुछ एक वाटर्स होते हैं जैसे हम जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, सिनेमन वाटर्स, ये वाटर्स आते हैं, इनकी अलग अलग रेसिपी है हाउ टू प्रिपेयर दिस। और डॉक्टर नेहा, ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जो हम अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारा जो फैट है, स्टमक का फैट है, वो ना बढ़े? बेसिकली फूड ग्रुप्स दें, देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए। यूजली रात में हमें थोड़ी सी दालें अवॉइड करनी चाहिए, राइस प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, एंड रूटीन में आप पोटैटोज़ जो हैं वो अपनी रूटीन की डाइट में आपको एक लिमिटेड अमाउंट ही ले सकते हैं। आप राइस आप डेली अगर लेंगे तो आपकी बॉडी में डेफिनेटली फैट बढ़ेगा। और शुगर इनटेक हमें बिल्कुल अपना कैलकुलेटेड लेना चाहिए, बिकॉज हर फूड प्रोडक्ट में एक इंडिविजुअल शुगर है और ऊपर से एक विजिबल शुगर जो हम चाय या कॉफ़ी में डालते हैं वो हमें देखनी चाहिए। और फ्राइड फूड्स एक सबसे पहले हम बोलते हैं फ्राइड एंड जंक फूड्स, वो अगर आपने लेने हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में वो वंस अ वीक ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि अगर हम डेली कोई ना कोई एक फ्राइड फूड आइटम में रख रहे हैं तो फैट या वेट को मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड ऑल्सो देर आर थिंग्स लाइक जितनी भी ये कैंडीज़ हैं आपकी, या आप कह लो कि एक्सेसिव फॉर्म ऑफ चूरन्स हैं, और जितनी आप चिप्स एंड अदर थिंग्स, हाँ चिप्स हैं, या आप एडेड एड ऑन जिनको हम बोलते हैं कि आप ऐड करते हैं, या डिप्स हो गई आपके, पापड़स हो गए, ये सब सबसे पहले हमें अपनी कट करनी चाहिए, ताकि आपके ये एक्सेसिव कैलोरीज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्ड ड्रिंक्स राइट वो अगर हम लेंगे तो हमारा वेट मैनेज करना या कह लीजिए कि स्टमक बढ़ना, फिट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर नेहा, मैं आपकी अभी जैसे आपने बताया दाल, मैंने अभी सुना तो दाल देखा जाए तो इंडियन अगर सोसाइटी में हम देखते हैं या इंडियन कल्चर में दाल एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और शाम को दाल बनना रूटीन है, या इट्स कंपलसरी एक्चुअली, तो दालों से कैसे इफेक्ट हो जाता है और दालों को तो अवॉइड करने के, अगर हम दाल अवॉइड करते हैं तो शाम को क्या चीज़ें ले सकते हैं? दालें हमें अवॉइड नहीं करनी डाइट में, हमें दालें डेली चलनी चाहिए डाइट में, या कह लीजिए कि दालें होनी चाहिए डाइट में, पर वो हम ज़्यादातर प्रेफर ये करते हैं कि वो आप लंच टाइम में लीजिए दालें। मतलब रात को प्रोटीन एकदम अवॉइड करना चाहिए? नहीं, रात को प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्रोटीन अवॉइड नहीं करना होता, पर दालों की वजह से काफ़ी लोगों को रात में वाटर रिटेंशन या कह लीजिए ब्लोटिंग काफ़ी होती है, तो वो ओवरनाइट फील करते हैं। जैसे टिपिकल जो थायराइड पेशेंट्स हैं या जिनको PCOD की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम ज़्यादा बोलते हैं कि वो आप रात में अपनी दालों का इनटेक कम करें एंड वेजिटेबल्स लीजिए।
तो दोस्तों ये थी डॉक्टर नेहा, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपने डेली डाइट में थोड़े से मॉडिफिकेशन, थोड़े से चेंजेस करके फिट रह सकते हैं। दोस्तों फिट रहना बेहद ज़रूरी है, सुंदर दिखना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी फिट रहना है। थैंक यू डॉक्टर नेहा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है कोई आयुर्वेदिक टिप का, जो हमें देते हैं हमारे वैद्य विराज जी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वैद्य विराज जी के पास। नमस्कार। आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अगर हमें स्वस्थ रहना है तो निश्चित रूप से हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। और आज का हमारा विषय है तिल। तिल को आप सभी भली भांति जानते हैं। तिल को हम अपनी रसोई में निश्चित रूप से प्रयोग आज हम करते हैं, और सर्दी के अंदर तो बहुत प्रकार से तिल का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। तिल हमारे सभी प्रकार के 80 जो वात रोग हैं उन सबको दूर करता है हमारे शरीर के अंदर से। जो गठिया है, जो किसी प्रकार का अन्य कोई दर्द है, जो 80 प्रकार के वात रोग जो जिनको हम कहेंगे, उन सब को अकेला मात्र तिल हमारे शरीर से निश्चित रूप से दूर करता है। हमें अगर कैल्शियम की ज़रूरत है, कैल्शियम की हमारे शरीर के अंदर कमी है, तो अकेला तिल उस कमी को पूर्ण करने में सक्षम है। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को मूत्राधिक्य की समस्या है, जिनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, बार बार रात्रि को उठना पड़ता है या दिन में भी कई बार जाना पड़ता है, वो भी एक एक चम्मच सुबह शाम तिल का प्रयोग करके अपनी मूत्राधिक्य की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को मूत्रशय्या रोग है, अर्थात वो जो रात्रि को अपने बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, वो भाई बहन भी तिल के लड्डू बना करके एक एक लड्डू सुबह शाम दूध के साथ वो लें, तो निश्चित रूप से उनकी यह बहुत बड़ी जो एक समस्या है ये निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ तिल हृदय है, अर्थात हृदयगत जिन भाई बहनों को, जिन बुज़ुर्गों को कोई समस्या है, तो उनका तिल का वो प्रयोग करके अपनी समस्त हृदयगत समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्राणुवर्धक भी हमारा ये तिल है। जिन भाई बहनों को शुक्रगत कोई समस्या है, या स्पर्म काउंट कम है, या नील है, या लेडीज़ के अंदर एग नहीं बनता, या अन्य कोई लेडीज़ प्रॉब्लम अगर उनको है, तो वो भी तिल का प्रयोग करके, वो बहनें, वो भाई बहन सब एक एक चम्मच सुबह शाम तिल का प्रयोग करके अपनी इन सब समस्याओं को निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, तिल हमारा पचने में बहुत भारी होता है। जिन भाई बहनों को अपचन की समस्या है, जिनको गैस्ट्रिक है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, अर्थात कब्ज़ की समस्या है, वो भाई बहन तिल का प्रयोग जब तक ना करें जब तक उनका पेट स्वस्थ नहीं हो जाता। तो हमने बताया तिल बहुत ही गुणों की खान है, और विशेषकर सर्दी में इसका सभी भाई बहन प्रयोग करें तो हम निश्चित रूप से बड़े रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों मैंने तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है, एंड आई एम श्योर आपने भी कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि जब जागे तभी सवेरा। दोस्तों आई एम श्योर आपको हमारा प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है www.youtube.com/doordarshansports। Facebook पे भी लाइक कर सकते हैं, उसके लिए आप जाइए www.facebook.com/doordarshansports। और अगर आप हमें Twitter पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा Twitter लिंक है twitter@ddsportsindia। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे लेके एक और एक्साइटिंग एपिसोड। तब तक के लिए हमेशा याद रखें, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू फ्रेंड्स।